न्यूज़ वॉल इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। गोरखपुर से पहली खबर, जहां पर ऐतिहासिक रोड शो हुआ। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के दौरान 29 मई को भाजपा प्रत्याशी रवि किशन के समर्थन में आयोजित रोड शो में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। रोड शो के दौरान महिला और पुरुष कार्यकर्ताओं के अलावा अन्य लोग भी हजारों की संख्या में शामिल हुए। इस दौरान शो के रास्ते में दोनों तरफ आम जनमानस का उत्साह देखने को मिला। लोग जय श्री राम के नारों के साथ योगी मोदी के नारों की भी गूंज सुनाई दे रही थी। लोग अपनी छतों पर खड़े हो गए और पुष्प वर्षा करते हुए नजर आए। रथ पर सवार रवि किशन के साथ सीएम भी लोगों का अभिवादन करते दिखे और लोगों से वोट की अपील की। ये रोड शो टाउन हॉल से शुरू होकर रेती घंटा घर मार्ग होते हुए नखास और फिर विरज चौराहे पर समाप्त हुआ। बीस दौरान खास बात ये देखी कि मुस्लिम आबादी में भी समाज के लोग शो का स्वागत करते हुए नजर आए। लोगों ने पुष्प वर्षा की, जयकारे भी लगाए। आपको बता दें कि गोरखपुर में सातवें चरण में 1 जून को मतदान होना है। मतगणना 4 जून को होगी। रोड शो के दौरान सुरक्षा व्यवस्था भी चुस्त दुरुस्त दिखाई दी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कांदम्बी लॉन में संयुक्त जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में मंत्रियों का जमावड़ा और संबोधन लगातार जारी रहा। विपक्ष पर जमकर प्रहार करते हुए नजर आई। कहा कि मैं काशी के परिवार का आभार देने आई हूं। काशी की जनता ने एक ऐसे सांसद को चुना जिसने गरीबों को सुना है। अन्नपूर्णा का आशीर्वाद काशी के हर घर में जा रहा है। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों और राष्ट्र भक्तों का आभार व्यक्त करने आई हूं। अभिनंदन का भी अभिनंदन काशी में करने आई हूं। कांग्रेस के पास सत्ता आई तो पाकिस्तान पंजाब में आएगी। काशी के सांसद के साथ पूरा हिंदुस्तान है। एक अकेला मोदी सब पर भारी पड़ रहा है। अकेले मोदी इसलिए लड़ते हैं कि काशीवासी साथ हैं। भाजपा के नेता और मंत्रियों ने बढ़ चढ़कर कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कानों में गूंजे, जिन्होंने उस व्यक्ति को देश की राजधानी में टिकट दिया, उस व्यक्ति जिसने दुस्साहस किया देश की राजधानी में कहने का कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, उन तक काशी की आवाज पहुंचनी चाहिए कि जब तक भाजपा का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता जीवित है, तब तक ये देश खंडित नहीं होगा, ये देश टुकड़ों में नहीं बटेगा। इसलिए ऐसे अधर्मियों के कानों तक काशी की आवाज पहुंचे तो बोलो भारत माता की। बिजनौर का ही पूरा मामला है, जहां पर पुलिस दुकान के इर्द गिर्द सीसीटीवी की तलाश में जुटी है। दरअसल अज्ञात हथियारों ने व्यापारी की गोली मारी थी। गोली लगने से व्यापारी की दर्दनाक मौत हो गई थी और पुलिस लगातार छानबीन में जुटी हुई है। मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थाना कोतवाली शहर बिजनौर के सेंट मैरिज रोड का ही पूरा मामला बताया जा रहा है। लगभग 8:15 बजे पुलिस की सूचना प्राप्त हुई थी कि सुशील कुमार और उनको कुछ अज्ञात लोगों ने गोली मार दी। उनको तत्काल अस्पताल पहुँचाया गया। अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया। अभी मैं अस्पताल आया, घटनास्थल का निरीक्षण करने जा रहा हूँ। घर वालों से भी बातचीत की कि कभी फिलहाल घर वालों ने कुछ बताया नहीं। घर वाले थोड़े, आपको बताइए, शॉक्ड हैं कि अचानक उनकी सूचना मिली। घर वालों से आराम से बात की जाएगी और घटनास्थल का निरीक्षण किया जा रहा है। वहाँ पे तमाम कैमरे भी लगे, किसी ना किसी फुटेज में घटना आ गई, तो सीधी घटना घटना सकती है। आगरा में दावत खाकर घर लौट रहे पूर्व प्रधान के बड़े भाइयों पर रंजिशन। दबंगों ने धारदार हथियार से हमला बोल दिया। पुरानी रंजिश को लेकर आधा दर्जन दबंगों ने रास्ता घेर कर बरसाई लाठियां। फरसा बल्लम से हमला का आरोप है। दोनों सभी भाइयों को मरणस्थान हालत में छोड़कर दबंग फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों भाइयों को सीएससी केंद्र में भर्ती कराया, बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया। मामले को लेकर पुलिस जांच में जुटी है। लोगों के मुताबिक पूर्व में भी झगड़े हुए हैं। थाना भाष क्षेत्र के अंतर्गत आम का पुरा नहर पुलिया के पास का ही पूरा मामला है। बदायूं में श्रीराम नगर कॉलोनी में बिजली ठीक करने बिजली संविदा लाइनमैन गया था सिपाही की बाइक पर और सीढ़ी गिर गई, जिसके बाद बौखलाए सिपाही ने लाइनमैन को बुरी तरह से पीट दिया। पीड़ित लाइनमैन मनोज ने अपने साथियों को जानकारी दी तो मौके पर तमाम बिजली कर्मचारियों ने पुलिस को तहरीर दी। कोतवाली में तैनात सिपाही जयवीर के खिलाफ की तहरीर कार्रवाई की मांग और सदर कोतवाली क्षेत्र के पथिक चौक का ही पूरा मामला है। लखनऊ में लाइट की समस्या को लेकर जनता ने धरना दिया, प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि बिजली घर के सामने रोड पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया गया। पूरी रात बिजली गुल होने की वजह से जनता परेशान हुई। बिजली विभाग के अधिकारी अपने ही कर्मचारियों का फोन नहीं उठाते। जाम लगने से आने जाने वाले लोगों को परेशानी हुई। 80 साल के बुजुर्ग ने रोड पर लेट कर धरना प्रदर्शन किया। पूरा मामला टिकट राय तालाब के पास का है।
रायबरेली में पुरानी रंजिश को लेकर बेखौफ दबंगों ने बाइक सवार युवक पर बम से हमला कर दिया। बम के हमले में घायल होने के बाद दबंगों ने युवक की लाठी डंडों से जमकर पिटाई की। तीनों बदमाश युवक को मरणस्थान हालत में छोड़कर मौके से फरार हो गए। युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामला सलोन कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत शहजादपुर गाँव का, जहाँ राम लखन साहू का अपने पड़ोस में रहने वाले चौतूरी साहू से नाली खड़ंजे को लेकर विवाद चल रहा था। राम लखन साहू का लड़का सचिन साहू निमंत्रण से वापस घर आ रहा था, तभी रास्ते में मुकेश साहू अमन ने उस पर बम से हमला कर दिया। अचानक हुए हमले से वो घायल हो गया, जमीन पर गिर पड़ा। इसके बाद उसकी लाठी डंडों से हमला कर दिया और मौके से छोड़कर फरार हो गए। स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां पर मुकदमा दर्ज भी कर लिया गया है। पुलिस ने फरार तीनों हमलावरों की तलाश भी शुरू कर दी है। घटना हुई वो चतरी साहू के यहाँ रखे, डेढ़ महीना से रखे रहे हैं और प्रतापगढ़ के रहने वाले। और हमारे लड़के को पहले तो बुलाया कि यहाँ अभी यहाँ, जब वो नहीं गया तो जो है कि उसका कोई हाँ पैर पकड़ के खींचता रहा, कोई हाथ पकड़ के, तो जब चिल्लाने तो सुशील मौर्या की औरत दौड़ी है तो डंडा लेकर, तो ये भाग के तखत पे उसके चला गया बरामदे में। तो जो है कि जब वो डंडा लेके दौड़ी है तो कि बचा, हमारा बच्चा चिल्लाना कि हमको बचा लो बचा लो, जब वो डंडा लेके दौड़ी है तो फिर वो बम खींच के तीन गोला मारा। कासगंज में अज्ञात वाहन ने पीछे से रिक्शा में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने से रिक्शा नाले में जा गिरी, चीख पुकार मच गई। रिक्शा चालक सहित चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने घायलों को नाले से बाहर निकाला। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कासगंज रेलवे स्टेशन से रिक्शा सवार अपनी शिदारी में जा रहे थे। तीन घायल जनपद बरेली के हैं। कासगंज सदर कोतवाली क्षेत्र के मामो गांव का एक पूरा मामला है। एटा में अज्ञात महिला सहित 6 साल के मासूम का मृत अवस्था में शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। महिला और मासूम की हत्या कर शव को फेंक देने की आशंका। 6 साल के मासूम सहित महिला का शव मिला है। सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सिंह और अपर पुलिस अधीक्षक धनंजय सिंह कुशवाहा, जलेसर सीओ और थाना आवागढ़ पुलिस सहित भारी मात्रा में पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद। डॉग स्क्वाड फोरेंसिक टीम लगातार घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण करने में जुटी है। थाना आवागढ़ क्षेत्र के गांव सावंतखेड़ा समीप का ही पूरा मामला बताया जा रहा है। सावंतखेड़ा गांव के पास एक नहर है और उसकी पटरी पे एक 35-36 वर्षीय महिला, जिसके हाथ से रीना विकेश जानू और रीना पत्नी तरफ लिखा हुआ है, और एक 6 साल का बच्चा है और शरीर इनके नीले पड़े हुए हैं। प्रथम दृष्टया लग रहा है कि इसको उनको जहाँ दिया गया है और बाहर से लिया करके यहाँ पे डाला गया है। फील्ड यूनिट हमारा जांच कर ली है, डॉग स्क्वाड वगैरह बुला लिया गया है, जिसमें वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पीएम के लिए रिपोर्ट भेजी जा रही है। लखनऊ के बालाघाट पावर हाउस में लाइनमैन की मौत के मामले में बिजली कर्मचारियों में भारी रोष है। संविदा कर्मचारियों ने इकट्ठा होकर रोष जताया। पीएम हाउस पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने इकट्ठा होकर हंगामा किया है। जेई और एसडीओ पर लापरवाही का आरोप लगाया। बिना सुरक्षा उपकरण के काम कराने का आरोप। 11,000 वोल्ट पर काम कर रहा था मृतक सिकंदर। नाराज संविदा कर्मियों ने मुआवजे की मांग की है। दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। परिवार के सदस्यों को नौकरी देने की मांग की। विद्युत विभाग के खिलाफ कर्मचारियों में भारी नाराजगी है। बालाघाट पावर हाउस पर देर रात सिकंदर की मौत हुई थी। कानपुर में बारातियों से भरी बस अनियंत्रित होकर पलटी। वहीं घटना के दौरान बस में बैठे लोगों में चीख पुकार मच गई। बस समय सवार 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सीएससी में भर्ती कराया। प्राथमिक इलाज के दौरान डॉक्टर ने गंभीर 4 घायल युवकों को कानपुर रेफर कर दिया। वहीं सूत्रों की माने तो ओवरटेक करने के चलते ट्रैक्टर और बस में हादसा हुआ। कानपुर के बेहटा पाली में सियोड़ीहारी घाटमपुर जा रही थी बारातियों से भरी बस। कानपुर के साढ़ थाना क्षेत्र के बेहटा बुजुर्ग गाँव के पास की पूरी घटना है। आज दिनांक 29/5/2024 को थाना साठ अंतर्गत बेहटा बुजुर्ग के पास से एक सूचना प्राप्त हुई कि एक बस पलट गई है। इस सूचना पर तत्काल पीआरबी तथा स्थानीय पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। वहां जाकर ज्ञात हुआ कि एक बस जो 60 से 65 बारातियों से भरी हुई थी तथा पाली बेहटा से घाटमपुर जा रही थी, वह सामने की तरफ से आ रही एक ट्रॉली से टक्कर हो जाने के कारण पलट गई थी, जिसमें लगभग 6-7 लोग घायल हो गए थे। सभी घायलों को तत्काल प्रभाव से सीएससी भीतरगांव भेजा गया है। झांसी में इन दिनों भीषण गर्मी और तापमान के चलते आगजनी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। जिला प्रशासन और फायर ब्रिगेड सहित विद्युत विभाग द्वारा लगातार जन जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को सचेत किया जा रहा है। इसके बावजूद ओवरलोड पड़ने पर शॉर्ट सर्किट हो रहे हैं, जिसकी वजह से आगजनी भी हो रही है। ऐसे ही आज सुबह हुआ, जहां बैंक
का शटर खोलते ही थोड़ी देर में धुआं निकलने लगा। धुआं आग में तब्दील हो गया जिससे अफरा तफरी मच गई। सूचना पर तत्काल फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और आग पर मशक्कत के बाद काबू पा लिया गया। जानकारी के मुताबिक लाइट सीप्री रोड स्थित आनंद पेट्रोल पंप के सामने यश बैंक है। हर रोज की तरह आज सुबह 9:30 बजे जैसे ही बैंक का शटर खोलकर कर्मचारी काम करने के लिए पहुंचे तभी एसी से शॉर्ट सर्किट हुआ और आग लग गई। आग अफरा तफरी मच गई। सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची है। किसी तरह से आग पर काबू पाया। हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई है। रायबरेली में लगातार तापमान में वृद्धि की वजह से और गर्मी को बढ़ता देख नगर पालिका रायबरेली द्वारा एक पहल की गई है। इसमें नगर के अलग अलग भीड़ वाले स्थान में सिमलगर यानी कि कृत्रिम बारिश की व्यवस्था कराई गई है। तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। नौपता में दोपहर की तपन 48 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो रही है। दोपहर की तपन लोगों को बीमार तक कर रही है। इस तपते दोपहर में लोग घर से बाहर निकलते हैं, उनके लिए नगर पालिका ने थोड़ी राहत मिल सके इसकी पहल की। इसके लिए शहर में जहां लोगों की भीड़ होती है वहां पर सड़क पर स्प्रिंकलर यानी कि कृत्रिम बारिश कराई जाएगी। नगर के कलेक्ट्रेट कचहरी, डिग्री कॉलेज, सुपर मार्केट, केनाल रोड स्थानों पर यह बारिश कराई जाएगी। पौड़ी जेजेआईसी में दोपहर की एक छात्र की अचानक तबियत बिगड़ गई। आरोप है कि एम्बुलेंस 1.5 घंटे बाद भी अस्पताल से स्कूल नहीं पहुंची। छात्रों का आरोप है कि एम्बुलेंस कर्मियों द्वारा बीमार छात्र को 500 मीटर दूर डीएवी कॉलेज तक पैदल लाने के लिए कहा गया जबकि छात्र एक कदम भी चलने की स्थिति में नहीं थी। बाद में जीजीआईसी की छात्राओं ने डीएम कार्यालय पर शिकायत दर्ज कराई जिस पर जिलाधिकारी ने तत्काल एम्बुलेंस को जीजीआईसी अस्पताल विद्यालय पहुंचाने के निर्देश दिए। साथ ही स्ट्रेचर पर छात्रा को एम्बुलेंस तक लाने को कहा। इसके बाद एम्बुलेंस मौके पर पहुंचे छात्र को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय लाया गया। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने बताया कि उनके द्वारा मामले में सीएम को फोन कर निर्देश दिए गए हैं। बताया कि छात्र का इलाज जिला चिकित्सालय में कर रहा है। वही प्रधानाचार्य सावित्री शेम नेगी ने कहा कि आपातकालीन सेवा 108 की व्यवस्थाओं पर नाराजगी हम जताते हैं। तो वहीं जिला कार्यक्रम अधिकारी 108-102 आपातकालीन चिकित्सा सेवा अभिषेक सोड़ी ने बताया कि मार्ग संकरा होने की वजह से गाड़ी का टायर फंस गया था इसलिए देरी हो गई। दूसरे मार्ग का सहारा लेकर आपातकालीन सेवा 108 एम्बुलेंस मैदान में जीआईसी पहुंची जहां से छात्रा को जिला अस्पताल लाया गया है। संबंध में मेरे द्वारा सीएमओ से बातचीत की है। जो डिले हुआ है 1.5 आवर का तो उसको इन्वेस्टिगेट इंक्वायरी किया जाएगा उस मैटर में और अभी वर्तमान में उस बच्ची का इलाज जिला चिकित्सालय में चल रहा है। संबंध में जांच के पश्चात ही ये कहा जा सकेगा कि उसमें जो दोषी कर्मचारी हैं या किस स्तर पे विलंब हुआ है, विलंब का कारण क्या है, इस संबंध में आफ्टर इन्वेस्टिगेशन ही कुछ कहा जा सकता है। उत्तरकाशी जहां वर्णावत के जंगलों और इंदिरा कॉलोनी की बस्ती के आसपास आग लगी हुई है जिसमें एनडीआरएफ टीम, फायर अग्निशमन टीम, आपदा प्रबंधन क्यूआरटी टीम के द्वारा आग बुझाने का काम गतिमान पर है। दूसरी टीम वन विभाग के 7 सदस्य टीम, एनडीआरएफ 8 सदस्य टीम, फायर 4 सदस्य टीम वर्णावरत के जंगलों की आग काबू करने की कार्रवाई गतिमान है। भीषण गर्मी, आग का प्रकोप उत्तरकाशी के लिए बड़ी आफत। पेड़ पौधे को जलने के साथ ही वर्णावरत की तलहटी पर प्रसिद्ध पर्यावरणविद प्रसाद पोखरियाल द्वारा बड़ी मेहनत से रोपित श्याम स्मृति वन पर भी आग का खतरा बना हुआ है। देवाल विकासखंड के लवाणी में देवभूमि मत्स्य पालन सहकारी समिति के जरिए ट्राउट मछली का उत्पादन कर रहे स्थानीय लोगों ने जहां ट्राउट मछली समूह से जुड़े लोगों की आय का साधन बन गई। मत्स्य विभाग के सहयोग से समूह के लोगों ने साल में ट्राउट मछली का उत्पादन शुरू कर दिया और अब समिति के निवेश को पूरा कर प्रत्येक साल 2.5 लाख से ज्यादा का मुनाफा कमा रहे हैं। समिति के मोहन सिंह बिष्ट गांववासी बताते हैं कि ट्राउट मछली औषधीय गुणों से भरपूर है और ठंडे पानी की मछली होने की वजह से इसका उत्पादन यहाँ बेहतर हो रहा है। गांववासी बताते हैं कि उत्पादन केंद्र से ही ट्राउट मछली 600 रुपए किलो तक बिक रही है। वही समिति से युवा ज्यादा से ज्यादा जुड़कर ट्राउट मछली के उत्पादन के जरिए रोजगार को अपना रहे हैं। 2017 में समिति का गठन किया था 2017 में और हम यहाँ पर हमने जब 2017 में समिति का गठन हुआ था 11 मेंबर जोड़े थे। अभी वर्तमान समय में यहाँ पर 14-15 मेंबर और जुड़ बन गए हैं और हमारा पर साल का लगभग 2 से 2.5 लाख का टर्न हो रहा है। सेक्टर पे अभी वर्तमान समय में लगभग 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट हो चुका है जिसमें 40% सब्सिडी डिपार्टमेंट के द्वारा दी गई है, 60% हम लोगों ने अपना व्यक्तिगत। उत्तरकाशी के यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग स्थान हनुमान चट्टी के पास एक कार वाहन यूटिलिटी की दुर्घटनाग्रस्त हो गई। आपको बता दें कि इसमें 4 लोग सवार थे। वाहन चालक की मौके पर ही मौत होना, 3 लोगों का घायल होना बताया गया है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम 108 आपातकालीन सेवा शुरू हुई। घायल व्यक्ति को बाड़ाकोट स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचाया गया है। हरदोई लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग पर कछौना कस्बे के पास कटियामऊ गांव के बाहर मुख्य मार्ग के किनारे फौजी ढाबा है। इसी ढाबे के ठीक बगल में पीछे की ओर एक अस्पताल भी है जिसका नाम है फौजी अस्पताल। इस हॉस्पिटल को टीन शेड के नीचे बनाया गया है और बाहर छप्पर के नीचे एक मरीज का इलाज किया जा रहा था जो कि कैंसर का मरीज था। यहाँ उन्नाव की रहने वाली पूनम का इलाज भी किया जा रहा था। पूनम के पति
सनातन ने बताया कि कैंसर के नाम से 30,000 रुपए प्रति माह लिया जा रहा है और दवा के पैसे अलग से दिए जा रहे हैं। नोडल अधिकारी मनोज कुमार सिंह ने सीएससी के अधीक्षक डॉक्टर किलसे वाजपेयी के साथ छप्पर के अस्पताल में छापा डाला। यहां पर मरीज मौजूद था जिससे उन्होंने पूछताछ की। उसके बाद अस्पताल को न सिर्फ सीज कर दिया गया बल्कि मरीज को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र किछौना एम्बुलेंस से भिजवाया गया है। देखिए आज मेरे संज्ञान में आया था कि संडीला के कछौना क्षेत्र में कोई फौजी अस्पताल चल रहा है, जिसका संज्ञान लेकर मैंने डिप्टी सीएमओ मनोज सिंह को, जो नोडल हैं हमारे इसके रजिस्ट्रेशन के, उनको भेजा और उन्होंने वहाँ पर जाकर देखा तो वहाँ पाया कि फौजी अस्पताल कटिया मऊ कछौना पर 10 बेड का चल रहा है और वो टीन सेट के नीचे चलाया जा रहा है। उसके बराबर में एक छप्पर का उन्होंने झोपड़ी बना रखी है, उसमें एक मरीज भर्ती मिला। वो मरीज एक कैंसर का मरीज था, उसको यूट्राइन कैंसर था, लेडीज मरीज था। उन्होंने वहाँ सारा संज्ञान लिया। सारा संज्ञान लेने के बाद वो जो उन्होंने वहाँ सभी सील कर दिया है अस्पताल, और उस मरीज को वहाँ से निकाल कर 108 के द्वारा कछौना सीएससी पर उसको शिफ्ट कर दिया गया है। बस्ती में मवेशियों को नहलाते समय नदी में डूबी 4 बच्चियां। सरयू नदी में डूबने से 2 बच्चों की मौत, 2 बच्चों को ग्रामीणों ने डूबने से बचाया। मवेशियों को नदी में नहलाते समय हादसा हुआ, दुबोली थाना के अशोकपुर की पूरी घटना है। उन्नाव में संदिग्ध परिस्थितियों में घर में आग लग गई। आग के लपटे देख लोगों में अफरा तफरी मच गई। गांव के ग्रामीण हैंडपंप की मदद से आग बुझाने की कोशिश करते रहे। पुरवा कोतवाली के मरोह नईमपुर गांव की पूरी घटना। साजापुर में बिजली कटौती ट्रिम्पिंग के विरोध में अधीक्षक अभियंता कार्यालय पर उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के व्यापारियों का जोरदार प्रदर्शन और ज्ञापन। साजापुर के बुधवार को उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के पदाधिकारी यहां पहुंचे और हंगामा करने लगे क्योंकि भीषण गर्मी में लगातार कटौती हो रही है जिसकी वजह से उन्हें काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है। साथ ही साथ गर्मी से राहत भी नहीं मिल पा रही है। भीषण गर्मी लगभग 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास यहाँ पे टेम्परेचर होता जा रहा है सहजनपुर में, और बिजली की यहाँ पे काफ़ी बड़ी समस्या ये है कि हर 10 मिनट बाद ट्रिपिंग हो रही है, जबकि शासन से सहजनपुर के लिए 24 घंटे निर्बाध विद्युत सप्लाई का आदेश है, फिर भी हर 10-15 मिनट के अंदर लाइट कट रही है और फिर लाइट आ रही है। पावर हाउस में फ़ोन करा जाता है, फ़ोन उठता नहीं है, अगर उठ भी जाता है तो बताया जाता है कि कोई फॉल्ट हो गया है, कोई लाइन टूट गई है, कुछ हो गया, लेकिन ये चीज़ हर अगर बिजली का रजिस्टर देखा जाए। किसानों की मसीहा और भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की 37वीं पुण्यतिथि पर राष्ट्रीय लोकदल के लोगों के द्वारा कानपुर में गंगा बैराज और रामा देवी और घंटाघर में लगे चौधरी चरण सिंह की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया गया। राष्ट्रीय लोकदल उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष सुरेश गुप्ता और प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद उस्मान ने मीडिया से संवाद करते हुए कहा कि चौधरी साहब ने हमेशा से ही किसान, गरीबों, मजदूरों, महिलाओं, दबे कुचले लोगों की लड़ाई लड़ी है, साथ ही साथ युवाओं को संदेश भी दिया है। चौधरी चरण सिंह के बताए हुए रास्ते पर चलें और गरीब और असहाय लोगों की मदद करें। सभा में राष्ट्रीय लोकदल के कानपुर महानगर अध्यक्ष मोहम्मद उस्मान और तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज गंगा बैराज, रामा देवी और घंटाघर, जो तीनों जगह चौधरी चरण सिंह की प्रतिमाएं लगी हूँ, उन पर हम लोगों ने माल्यार्पण किया और उन पर परिचर्चा और चर्चा की। हम लोग ये चाहेंगे जो चौधरी साहब के बताए हुए रास्ते हैं, चौधरी साहब ने हमेशा किसानों, गरीबों, मजदूरों, महिलाओं और दबे कुचले लोगों की लड़ाई लड़ी, उस लड़ाई को हमेशा नौजवान उन लेके आगे बढ़े और गरीबों की मदद करें, ये हमारा आज का संदेश है और यही चौधरी साहब की कल्पना रही। चौधरी चरण सिंह जी जो कि किसानों के मसीहा, मजदूरों के मसीहा रहे और कामगारों के मसीहा रहे, जिनके जरिए ही नहरों का संचालन हुआ था। नहरों का संचालन जो किया गया था लेखपालों से, वो चौधरी चरण सिंह जी ने ही कराया था। आज उनका जो है 37वीं पुण्यतिथि है, जो कि भारत रत्न से भी सम्मानित किए गए हैं, और हम लोगों ने उनका माल्यार्पण कर पुष्पांजलि कर श्रद्धांजलि अर्पित की है। कानपुर के मशहूर पीपीएन मार्केट स्थित बैजनाथ राम किशोर ज्वेलर्स में बीती रात चोरों ने चांदी के जेवरों पर हाथ साफ कर दिया। वहीं सुबह दुकान खुलने पर जब सामान अस्त व्यस्त पाया गया तब दुकान मालिक ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। तभी उन्हें पता लगा कि पड़ोस की 2 और दुकानों में भी बीती रात चोरी हुई है। ज्वेलर्स के बगल में टेलरिंग और टेलीकॉम की दुकान में भी चोरों ने हाथ साफ कर दिया। इसके बाद सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची है, सीसीटीवी के आधार पर भी जाँच की जा रही है। बैजनाथ ज्वेलर्स के यहाँ आज सुबह जब इन्होंने अपनी दुकान को खोला तो कुछ डिब्बे जो है इनके अस्त व्यस्त पाए गए। इन्होंने अपना सारा सामान चेक किया तो ऊपर छत से जो एग्जास्ट फैन लगा हुआ है, उस एग्जास्ट फैन के निकाल करके
कोई एक व्यक्ति अंदर प्रवेश किया और कुछ जो है चांदी के आभूषण चुरा करके ले गया है। इस संबंध में पूरी घटना सीसीटीवी में कैद भी है और तहरीर प्राप्त करके अभियोग पंजीकृत किया गया है और फॉरेंसिक की टीम और सर्विलांस की टीम और पुलिस स्टेशन करनल इनकी टीम को लगाया गया है, जिसे शीघ्र ही चोर को गिरफ्तार किया जाए और उससे जो भी सामान चोरी किया गया है उसको वर्कआउट किया जा सके। कानपुर के जूही लाल कॉलोनी इलाके में दो दिन पहले हुई चैन की लूट की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया। इस घटना को अंजाम देने वाले 62 साल के बुजुर्ग ने अपने साथी के साथ घर के बाहर खड़ी महिला की चैन लूटकर फरार हो गए थे। घटना के बाद से इलाके में लगे सीसीटीवी का भी लगातार खंगाला जा रहा था, जिससे उसकी पहचान हो पाई है। आपको बता दें कि पूरे मामले की डीसीपी दक्षिण अमित कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इन साथी टेरों ने पहले महिला के घर को खटखटाया, महिला बाहर आई तो चैन तोड़कर ये सभी फरार हो गए। कल दिनांक 28/5/2024 को थाना किदवई नगर पर एक वादनी के द्वारा तहरीर दिया गया। तहरीर में उनके द्वारा बताया गया कि दो व्यक्ति एक एक्टिवा पे आए थे और उन्होंने इनके घर का दरवाज़ा खटखटाया था। जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो इन्होंने कहा कि आपकी एक लॉटरी लगी है, जिसमें आपके कुछ टीवी, फ्रिज इत्यादि आपके सामान जो है घरेलू सामान होते हैं वो आपको उस लॉटरी में मिला है। इसके लिए आपके बेटे का नाम, मोबाइल नंबर और आपके सिग्नेचर चाहिए। तो उक्त महिला के द्वारा जो है अपना घर नहीं खोला गया, तो ये बाहर से ही जो है उन्होंने जो सोने की चेन पहनी थी वो जो है इन्होंने छीन लिया। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।